आज अपन जो एक चर्चा करेंगे, सबसे पहले एक मुद्दे पर जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। किसकी बात करेंगे? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट। सरकार ने ये एक बिल है जो कि अभी संसद के अंदर जो है पेश किया है। ठीक है, क्या है ये, पहले तो इसको समझ लें। देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस हिंदी में कहते हैं जमा बीमा। डिपॉजिट का मतलब तो समझते हो, बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, जमा कराते हैं। और इंश्योरेंस का मतलब बीमा। और क्रेडिट, देखो अभी क्या है कि जैसे अपने बैंक के अंदर जो भी पैसा पड़ा है ना, कि भाई आपने बैंक में कुछ भी जमा करा रखा है, अगर बैंक में आपका अकाउंट है और अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, अब अगर सपोज करो कि वो जो बैंक है वो बैंक डूब जाए, बैंक बिजनेस कैसे करता है? बैंक आपसे पैसे लेता है और आपसे पैसे लेकर और उसके बाद में दूसरों को जो है उधार में दे देता है। बैंक का बिजनेस जो है बहुत सीधा सीधा सा है कि भाई इधर से जो भी एक तो मालिक होगा बैंक का कोई, यानी उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनका पैसा बैंक में लगा होगा, और एक बैंक में जो लोग जमा करा रहे हैं, जमा कराने वाले, यानी कोई अगर सेविंग अकाउंट के अंदर जमा करा रहा है, किसी ने FD करा रखी है बैंक के अंदर, या किसी ने जो है वो कोई करंट अकाउंट है उसका, और उसके माध्यम से बैंक के अंदर कुछ ना कुछ पैसा जो है वो जमा करवाया है, तो बैंक को क्या मिल जाता है इससे? इससे पैसा मिल जाएगा बैंक को। अब बैंक के पास में जो पैसा है वो बैंक क्या करेगा, फिर बाद में लोन दे देगा, ऋण के अंदर जो है बैंक लोगों को ऋण दे देगा, और ऋण देगा तो उनसे जिनको ऋण दिया है उनसे उसको जो है वो क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिल जाएगा, और ये जिन लोगों ने जमा करा रखे हैं उनको भी कुछ ब्याज जो है वो दे देता है। अब इनसे ब्याज लेता तो ज्यादा है और इधर देता कम है, कि जैसे मान लो इधर तो 8% का ब्याज ले रहा है और इधर देने वाला जो है उसको 4% ही ब्याज दे रहा है, तो बीच में कितने बच गए, 4% बच गए, तो 4% जो है वो क्या हो गई बैंक की, ये रेवेन्यू हो गया उसका, बैंक की कमाई हो गई। इसमें से बैंक की जो भी कॉस्ट है और दूसरी ऑपरेशन वगैरह लोगों की सैलरी वैलरी देता है वो सब अगर हटा दें तो फिर बैंक का जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। इस तरीके से बेसिकली बैंक जो है वो काम करता है, कोई भी बैंक काम करता है, तो ये बेसिक तरीका है। ठीक है, अब क्या है कि ये जिनको लोन दिए हैं अगर वो लोग लोन पे नहीं करें, अगर लोन नहीं पे कर रहे, मान लो बैंक जो है वो अंधाधुन जो सामने आया उसको बैंक लोन देता जा रहा है, कि आप गए और आपने कहा कि साहब मैं RAS की तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे लोन चाहिए, और कहो ले जाओ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और आपने आपको भी लोन दे दिया, कोई बैंकरप्ट हो रहा है, कोई विजय माल्या आया और उसने कहा कि साहब मुझे भी लोन दे दो, तो उन्होंने देखा ही नहीं कि पुरानी स्थिति क्या चल रही है, उसको भी लोन दे दिया। अभी जैसे मान लो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है और होटल इंडस्ट्री जो है काफ़ी प्रॉब्लम में है, अब कोई होटल वाला आ गया कि साहब मुझे जो है लोन दो, और उसको भी लोन दे दिया। अब ऐसे आपने लोन सबको देते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब उन लोगों के पास में आपके लोन चुकाने की जो है वो क्षमता नहीं रहेगी, टेक्निकल भाषा में कहते हैं NPA बढ़ जाता है। अब NPA वगैरह क्या होता है जब इकोनॉमी पढ़ोगे तब शायद जो है तुम्हें और अच्छे से पता लग जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, यानी जो लोन आपने दिए थे वो वापस नहीं आए, वापस नहीं आए तो बैंक जो है उसको ये जो प्रॉफिट हो रहा था, लाभ हो रहा था, उसकी जगह उसको क्या होने लगेगा, बैंक को घाटा होने लगेगा। अब बैंक थोड़े दिन तो घाटा जो है सहन करता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब बैंक का घाटा इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब बैंक कहेगा कि साहब अब अपने से जो है वो नहीं हो सकता, और RBI भी उस बैंक को कहेगा कि भाई साहब अब बहुत कर लिया आपने, लोन जो है देने बहुत लोगों को लोन दे दिया, अब आप ऐसा करो लोन मत दो, ठीक है, या फिर आप बर्बाद हो जाओगे। अगर बैंक जो है बर्बाद हो जाता है या बैंक दिवालिया हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर ये जिन लोगों ने इसमें से पैसे जमा कराए थे वो बैंक के पास जाएंगे कि भाई यार हमारे पैसे दो, और बैंक कहेगा कि भाई साहब तुम्हारे वाले पैसे तो हमने किसी और को उधार में दे दिए थे और उन्होंने चुकाए नहीं, तो हम कहां से दें, तो यार हम कहां से दें, हमने तो तुम्हें दिए थे। अब आप अगर बैंक के पास में जाओगे और बैंक वाले को कहोगे कि भाई हमने तुम्हें दिए थे हमें तो वापस दो, तो बैंक वाला कहेगा कि साहब मैं तो जो है वो दिवालिया हो चुका हूं, अब कर लो क्या करोगे, फांसी भी चढ़ा दो मुझे तो, नहीं है पैसे देने के लिए, तब क्या करेंगे? तब जो जमा करने वाले लोग हैं वो कहेंगे यार अब क्या कर सकते हैं, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहा। ऐसी परिस्थिति में फिर आपके सारे पैसे जो बैंक में जमा कराए वो सारे डूब जाएंगे। ये परिस्थिति ना आए इसके लिए एक संस्थान बना हुआ है, वो संस्थान का नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो संस्थान है, ये जो कॉरपोरेशन, ये जो निगम है, वो आपके डिपॉजिट का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अगर बैंक फेल हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में
आपको कुछ रकम जो है वो इस संस्था के द्वारा दी जाएगी। अब कितनी रकम दी जाएगी इसके संबंध में जो है वो अभी एक विधेयक लाया गया है और आपकी जो रकम है उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। पहले ऐसा होता था कि बैंक जो है वो 1,00,000 रुपए बैंक के अंदर आपके इंश्योर्ड हुआ करते थे। जैसे आपको मान लो बैंक के अंदर जमा है 5,00,000 रुपए जमा है, पहले पूर्व की स्थिति बता रहा हूं, और बैंक हो जाए फेल, आप जाओ बैंक में, बैंक में कहो साहब हमारे तो 5,00,000 रुपए दो, तो बैंक वाले कह देंगे साहब अपने पास तो पैसे नहीं है, तो फिर आप कहां जाओगे, इसके पास में, और ये कहेगा कि साहब 5,00,000 तो नहीं, आपका जो जितना डिपॉजिट था, जो भी आपकी जमा थी उसमें इंश्योरेंस है आपके पास में 1,00,000 रुपए का, यानी आपको कितना रुपए दे दिया जाएगा, 1,00,000 रुपए जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। ये तो थी पहले की स्थिति। वर्तमान में सरकार ने एक बिल लाई है और बिल लाकर इस रकम को 1,00,000 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 5,00,000 कर दिया, 5,00,000 जो है वो ये कर दिया है। यानी अब अगर आपके बैंक में 5,00,000 रुपए जमा थे और बैंक हो गया फेल, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी ये जो कॉरपोरेशन है वो आपको 1,00,000 ना देकर कितना देगा, 5,00,000 रुपए वो देगा। कौन देगा, ये वाला जो कॉरपोरेशन है, ये कॉरपोरेशन 5,00,000 रुपए जो है वो देगा। इतनी बात आई समझ में। अब ये लोग जो है वो, तो ये कहां से आया, ये अभी जो नया बिल आया उस बिल के अंदर इस राशि को, डिपॉजिट इंश्योरेंस को क्या कर दिया गया है, बढ़ाकर 5,00,000 कर दिया। एक और समस्या पहले थी, तो मतलब पहले एक समस्या तो ये थी कि 1,00,000 रुपए मतलब कम राशि थी आपकी इंश्योर्ड, इंश्योरेंस का एक तो ये बढ़ा दिया। दूसरा पहले ये था कि ये जो आप पैसा लेते हो उससे, उसमें भी क्या टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। पहले जो है वो आप जब क्लेम दोगे एक साहब हमारा पैसा इतना इतना जमा था, और फिर ये डिपॉजिट इंश्योरेंस वाले कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके जो है वो आपको वापस देंगे, तो उसमें क्या टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था, इवन 8-8, 10-10 साल लग जाते थे। मतलब आपका ये जो इवन 1,00,000 भी वापस आने के अंदर 8-10 साल जो है वो लग जाएंगे, तो ये तो फिर आपका नुकसान ही होगा। 8-10 साल में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाएगी कि ये 1,00,000 जो है फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। आज के 10 साल पहले 1,00,000 की कोई वैल्यू होती होगी, आज उस 1,00,000 की वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो इसलिए एक और दिक्कत है कि भाई टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इस बार जो विधेयक लाए हैं ये, इसके अंदर ये कहा है कि ये जो DICGC है इसको 90 दिन के अंदर ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। आपका जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है उसको कितने दिन में क्लियर करना पड़ेगा, 90 डेज के अंदर इनको जो है क्लियर करना पड़ेगा। तो सरकार एक विधेयक लाई है और उस विधेयक के अंदर जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस को जो है वो उसकी रकम को बढ़ा दिया गया। पहले 1,00,000 रुपए थी, फिर उसको 5,00,000 कर दिया। इवन खैर विधेयक तो अब लाए हैं और ये बढ़ाने वाला काम तो इन्होंने पिछले साल जो बजट था, एक फरवरी को जो बजट आता है, फरवरी 2020 में, उस बजट के अंदर ही बढ़ा दिया था। तो बढ़ तो तभी गया था, पर उसको कानूनी बदलाव जो है वो उसमें अब हो रहे हैं। कैबिनेट ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, अब ये विधेयक जो है संसद में पेश किया जाएगा। पहले शायद राज्यसभा में तो पेश हो गया है और उसके बाद में लोकसभा में, और फिर जो है राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, पहले तो होता बिल और फिर पूरी प्रोसेस से पास होता तो क्या बन जाता है, एक्ट, या पहले तो होता विधेयक और फिर अगर पूरी प्रोसेस जो भी प्रक्रिया उससे पास हो जाता तो क्या बन जाता है, वो एक्ट मतलब अधिनियम बन जाता है। तो इस तरीके से ये एक जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट जो है वो किया गया। अब मैं इसको एक बार वापस पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें लगभग लगभग बात जो है वो यही लिखी हुई है, एक बार इंग्लिश में, एक बार जो है हिंदी में, देखो देखें इसको। डिस्पाइट द सेफ्टी ऑफ फंड्स ऑन फंड्स पार्क्ड विद बैंक्स, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क फॉर द डिपॉजिट्स इन केस ऑफ अ बैंक कोलैप्स। अगर कोई बैंक कोलैप्स हो जाता तो डिपॉजिट को जो है वो एक रिस्क है। बैंकों के पास जमा धन पर सुरक्षा के बावजूद बैंक के डहने का मतलब उसका दिवालिया होना की स्थिति में जमा के लिए जोखिम का एक तत्व होता है कि भाई आपका जो जमा है उसमें कोई ना कोई जोखिम रहेगा। डिपॉजिट्स हैड ट्रबल्स रिसेंटली विद एक्सेस ऑफ दियर फंड्स इन बैंक सच एज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, दैट फेस्ड RBI's एक्शन। अभी रिसेंटली ये कौन कौन से बैंकों के अंदर ये समस्याएं आई, तो 3 बैंकों के जो है वो एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, यस बैंक की अभी हालत खराब हो गई थी, और फिर ये लक्ष्मी विलास बैंक। ये 3 जो है ये 3 बैंकों को कभी समस्या आई थी। जमाकर्ताओं को हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बैंक में अपने फंड तक पहुंच के साथ परेशानी हुई थी, जो RBI की कार्यों का सामना कर रहे थे। कार्य मतलब RBI का जो निर्देश है, RBI ने निर्देश दिया कि साहब आप आगे से अब जो है कोई क्रेडिट आप नहीं दोगे। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस होता क्या है,
जमा बीमा क्या है? इट विल प्रोवाइड फंड्स अप टू 5 लाख टू एन अकाउंट होल्डर विद इन 90 डेज इन एन इवेंट ऑफ बैंक कमिंग अंडर मॉरेटोरियम इम्पोज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए स्थगन के तहत बैंक आगमन की स्थिति में 90 दिन के भीतर एक खाताधारक को 5 लाख रुपए तक की धनराशि प्रदान करेगा। अगर किसी प्रकार का मॉरेटोरियम, मॉरेटोरियम का मतलब अगर आरबीआई ने कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन उस बैंक के ऊपर लगाया है तो फिर वो बैंक जो है वो क्या करेगा, यानी उसका मतलब वो बैंक जो है वो हो गया, बर्बाद हो गया, तो फिर 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस जो है उसपे मिल जाएगा। और कितने दिन में क्लियर होगा ये? 90 डेज में। अर्लियर द अकाउंट होल्डर्स हैड टू वेट फॉर 8 to 10 years टिल द लिक्विडेशन और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिस्ट्रेस्ड लेंडर टू गेट देयर डिपॉजिट्स दैट आर इंश्योर्ड अगेंस्ट डिफॉल्ट। ठीक है, पहले अगर इस पूरी लाइन का मतलब यही है कि पहले जो है वो उनको 8 से 10 साल लग जाते थे ये जो उनका पैसा है वो पैसा वापस मिलने के अंदर। इससे पहले खाताधारक को अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिए एक ऋणदाता के परिसमापन या पुनर्गठन का वर्षों तक इंतजार करना पड़ता, वर्षों मतलब 8 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ता था, जो कि डिफॉल्ट गतिविधियों के विरुद्ध बीमित होते थे। विद इन द फर्स्ट 45 डेज ऑफ द बैंक बीइंग पुट अंडर मॉरेटोरियम द DICGC वुड कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपॉजिट अकाउंट्स। इन द नेक्स्ट 45 डेज इट विल रिव्यू द इन्फॉर्मेशन एंड रिपीट डिपॉजिट्स डिपॉजिट विद इन द मैक्सिमम 90 डेज। ठीक है, तो इस लाइन में अपन को बहुत इसमें वो टेक्निकल बात है कि पहले 45 दिन के अंदर वो सूचना ही लेंगे और फिर उसको जो है उस सूचना को वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में इसके अकाउंट में इतने पैसे थे या नहीं थे। अगर जैसे मान लो किसी के अकाउंट में 8 लाख रुपए थे तो ये जो है वो जो DICGC होगा वो पहले उसकी सूचना लेगा, सारे जितने जितने अकाउंट्स के अंदर कितने कितने अकाउंट और किस किस के अकाउंट में कितने कितने पैसे हैं, पहले 45 दिन में तो वो सूचना मिलेगी, फिर अगले 45 दिन तक जो है वो उसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा और वेरीफाई करेगा और फिर जो 90वां दिन होगा तब ये पैसे जारी कर दिए जाएंगे। पहले क्या था, अभी तो 5 लाख कर दिया तो पहले क्या था, अर्ली डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर वॉज 1 लाख। एंड रेज्ड इन 2020, मैंने बताया कि भाई 2020 के अंदर जो बजट था उसके अंदर ये घोषणा थी तो 2020 के अंदर इसको कर दिया था। इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी इससे पहले कि ऐसा इसको जो है 1 लाख की जगह 5 लाख करो इस को या इस रकम को जो बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा किसने कहा, तो दामोदरन समिति जो है वो इसके लिए बनी थी। तो पूछा जाए कि दामोदरन समिति, दामोदरन कमेटी जो है उस दामोदरन कमेटी ने किस चीज का रिकमेंडेशन किया, तो इसने कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाना चाहिए और उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दो। ये दामोदरन जो समिति है वो बनाई किसके लिए की थी, पहले तो बता कि बनाई कब थी, 2011 में, और किस चीज के लिए बनाई थी, कस्टमर सर्विस इन बैंक्स। बैंक के अंदर जो भी उनके कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स को क्या क्या सेवाएं वो देते हैं तो उन कस्टमर्स की सेवाओं को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके संबंध में एक समिति बनाई गई थी 2011 में, दामोदरन समिति। और दामोदरन समिति ने ये कहा था कि जो आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस है उसको बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दो, सॉरी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख जो है वो किया जाना चाहिए। अब देखो कोई भी इंश्योरेंस अगर करवाते हो तो प्रीमियम पे करना पड़ता है, भाई आपको कोई 5 लाख रुपए को फ्री में तो नहीं दे रहे। इंश्योरेंस जब भी करवाओगे किसी, आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो तो उसका भी आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, कोई ना कोई पैसा तो आपको जो इंश्योरेंस करने वाला है उसको देना पड़ता है। बैंक के अंदर भी आपकी जो जमा है उसका भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है और ये प्रीमियम परंतु डिपॉजिटर को नहीं करना पड़ता। अगर हमने अगर बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं तो आपको उसके अंदर कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं, आपने तो बैंक में डिपॉजिट कराए तो बैंक आपको जो है वो इंटरेस्ट देगा। ठीक है, आपको कोई अलग से प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, वो प्रीमियम कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा। पहले प्रीमियम की राशि जो थी वो थी 10 पैसे पर 100, 100 रुपए को अगर वो बीमा करते थे तो उनको कितना पैसा पे करना पड़ता था, 10 पैसे जो है वो प्रीमियम के रूप में पे करने पड़ते थे। अब इस प्रीमियम की राशि को भी बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया गया है, 12 पैसे से लेकर 15 पैसे के बीच, कि भाई आप ये जो DICGC है वो निर्धारित करेगा कि भाई कितना प्रीमियम होना चाहिए, पर ये प्रीमियम की रेंज जो है सरकार ने बता दी कि ये 12 पैसे से लेकर 15 पैसे के बीच में ये प्रीमियम जो है वो होना चाहिए। और प्रीमियम कौन पे करता है, तो ये प्रीमियम पे करता है कौन, बैंक पे करेगा, डिपॉजिटर जो है वो पे नहीं करेगा। इन सब बातों को जो है ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स के अंदर जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें भी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि हाल ही में DICGC जो है वो उसका बिल पारित किया गया
और उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इससे कि भाई इससे क्या प्रभाव होगा, तो ऐसा कह दे कि भाई इससे जो है वो डिपॉजिटर जो होगा उसको प्रीमियम की राशि पे करनी पड़ेगी, यानी उसके लिए अब बैंक के अंदर जमा कराना जो है वो अधिक कॉस्टली हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं, ये कॉस्ट किसकी बढ़ेगी, डिपॉजिटर की ना बढ़ गई, किसकी बढ़ेगी, बैंक की जो है वो कॉस्ट इसकी वजह से बढ़ जाएगी। और डिपॉजिटर को क्या फायदा होगा, तो डिपॉजिटर को ये फायदा है कि अब उसका अगर ज्यादा राशि बीमित है, पहले तो 1 लाख ही मिल रहे थे, 5 लाख मिल रहे हैं, यानी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर जो भी जमा कराने वाले लोग हैं उनका विश्वास जो है वो बढ़ जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है फिर घर पे पैसा रखने की बजाय किसमें जमा कराना चाहेंगे, बैंक में जमा कराना चाहेंगे, हालांकि वो बीमा कितना है, मात्र 5 लाख ही है। तो आप भी सोचो कि साहब अपने तो यार बैंक में ज्यादा पैसे हैं तो वो तो चले जाएंगे, तो हाँ बिल्कुल, अगर बैंक आपका अच्छा नहीं है तो ऐसा हो सकता है, परंतु अगर आपने कोई ढंग का बढ़िया बैंक के अंदर आपकी जमा है तो ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो कॉलेप्स कर जाए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अगर कॉलेप्स कर गया तो भारत का पूरा फाइनेंशियल मार्केट, पूरा वित्तीय जो बाजार है वही कॉलेप्स कर जाएगा। इसलिए सरकार, आरबीआई ये सब ध्यान रखती है कि बैंकिंग सेक्टर जो है कॉलेप्स नहीं करना चाहिए, लोगों का विश्वास जो है वो बैंकिंग के अंदर बढ़ रहा चाहिए। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं यार कुछ तो ऐसा करें, तो ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर आपके थोड़े बहुत ही ज्यादा हैं तो आप उसको दो बैंक में रख दो, एक बैंक के अंदर जैसे मान लो 8 लाख रुपए हैं टोटल बैंक में, एक बैंक में 5 लाख रख दो, एक बैंक के अंदर 3 लाख कर दो, तो हर बैंक का अलग अलग इंश्योरेंस होगा, पहले बैंक का अलग होगा, दूसरे बैंक का इंश्योरेंस जो है वो अलग होगा। तो इस तरीके से कुछ लोग बता, खैर अपन को इतने टेक्निकल बातों में नहीं जाना है, अपन को इसके ऊपर वापस कोई पीएचडी नहीं करनी है, अपन को तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बातें ध्यान में रखनी है। कुछ टेक्निकल बातें ऐसी कि भाई किसका इंश्योरेंस होता है, प्रीमियम कौन पे करता है, पहले क्या था, कौन सी समिति थी, अभी एग्जैक्टली क्या किया है बदलाव, ये सब बातें जो है वो इसमें है। तो द प्रीमियम फॉर दिस इंश्योरेंस इज पेड बाय बैंक्स टू द DICGC एंड नॉट बी पास्ड ऑन द डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर के ऊपर नहीं जाता। इस बीमा के प्रीमियम का भुगतान बैंकों द्वारा DICGC को किया जाता है, जमाकर्ताओं के द्वारा नहीं किया जाता है। बैंक्स करंटली पे अ मिनिमम ऑफ 10 पैसे on every rupees 100 worth of deposits to DICGC as premium for the insurance cover, and it is now being increased, yeah, raised to a minimum of 12 paise, maximum to 15 paise. Bank वर्तमान में बीमा कवर के लिए प्रीमियम के रूप में DICGC को प्रत्येक 100 रुपए की जमा राशि पर न्यूनतम 10 पैसे का भुगतान करते हैं, इसे अब बढ़ाकर न्यूनतम 12 पैसे किया जा रहा है, अधिकतम जो है 15 पैसे हो जाएगा। अब क्योंकि ये DICGC की बार बार चर्चा हो रही है तो कई बार जो है वो सीधा सीधा आपको DICGC के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कुछ बताओ साहब इसके बारे में, DICGC के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो आपको इसका मतलब थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो इसका नाम क्या, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस तो समझ में आ गया कि जो भी डिपॉजिट है उसको इंश्योरेंस करते हैं। दूसरा इसका काम एक होता है क्रेडिट की गारंटी देना, ये क्या भला है भाई क्रेडिट गारंटी। तो देखो बैंक क्या होता है कि जब किसी बिजनेसमैन को तो लोन देने के लिए बैंक भी तैयार रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई यार ये बिजनेस जो है वो काफी अच्छा चल रहा है तो इससे हमें बैंक को प्रॉफिट जो है वो होगा, हालांकि कुछ कुछ रिस्क भी होगी पर बैंक को लगता है कि नहीं यार इससे तो प्रॉफिट जो है वो अपने को ज्यादा हो सकता है। परंतु अगर बैंक के पास में कोई गरीब व्यक्ति जाए, भाई उसके पास में कुछ नहीं है अभी, और वो कहेगा साहब मेरे को जो है वो एक जो है वो रेडी लगानी है या कोई थड़ी लगानी है, अब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, और बैंक के पास जाएगा कि साहब मेरे को पैसे दे दो, तो बैंक करेगा कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे पुराना क्या क्या अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुए हैं वो बताओ, तुम्हारी इनकम क्या रहती है, ITR कितना भरते हो वो बताओ, तो कहेगा साहब कोई ITR नहीं है, अपन तो जो है वो सुबह कमाते हैं शाम को खा लेते हैं बस इतना ही है। फिर बैंक कहेगा कि नहीं साहब आपको जो है हम लोन नहीं दे सकते, और अगर ऐसे व्यक्ति को लोन नहीं मिला तो वो फिर कभी भी अपना खुद का बिजनेस वगैरह जो है सेटअप नहीं कर पाएगा, और खुद का बिजनेस सेटअप नहीं कर पाएगा तो वो जो गरीबी है उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे लोगों को बैंक क्यों नहीं लोन दे रहा, क्योंकि बैंक को लगता है कि भाई यार ये जो व्यक्ति है उसके सफल होने का या फिर उसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि उस पर विश्वास किया जाए कि ये व्यक्ति वापस जो है वो लौटा देगा। तो ऐसी परिस्थिति में फिर सरकार आती है और सरकार कहती है कि नहीं, ये सरकार के माध्यम से कौन आता है, DICGC आता है, और ये कहता है कि इन लोगों को आप क्रेडिट दो, आप लोन दो, और उसकी गारंटी हम देते हैं कि अगर ये नहीं चुकाएगा तो कौन चुकाएगा, हम चुका देंगे। तो वो काम भी कौन करता है, ये DICGC ही वो काम करता है, तो यानी वो क्रेडिट की गारंटी भी देता है।
बैंकिंग क्षेत्र में लोन जो देते हैं तो उसमें एक प्राइमरी सेक्टर का लोन होता है, तो जिसमें किसानों को लोन दे रहे हैं, और किसानों में भी एकदम जैसे स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं उनको लोन देने की बात होती है, या फिर कोई एमएसएमई इंडस्ट्री है, मीडियम स्मॉल और माइक्रो और ये जो इंडस्ट्रीज होती है वो, उस इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति है तो उसको लोन देने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट देने के लिए गारंटी कौन देता है, तो वो भी काम कौन करता है, ये डीआईसी जीसी करता है। तो अब इसका नाम अब समझ में आ रहा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस का नाम बात समझ में आ गया, और क्रेडिट की गारंटी देता है, और कॉरपोरेशन मतलब ये एक निगम है, इसको कॉरपोरेशन का मतलब एक निगम है, निगम का मतलब एक कानून के माध्यम से इसकी स्थापना जो है वो की है। अब ये जो डीआईसी जीसी है इसको ओन कौन करता है, किसकी है, इसके अंदर जो है वो शेयर होल्डिंग किसकी है, तो 100% शेयर होल्डिंग किसकी है, आरबीआई की है। डीआईसी जीसी इज फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो अगर ये कहा जाए, मान लो तुम्हें प्री के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि डीआईसी जीसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, और उसमें पहला कथन हो कि डीआईसी जीसी के अंदर 50% शेयर आरबीआई के हैं और 50% शेयर जो है वित्त मंत्रालय के हैं, तो क्या ये कथन सत्य है, तो नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि डीआईसी जीसी में 100% किसका जो शेयर होल्डिंग है वो सारी की सारी जो है वो आरबीआई की, तो इसलिए अपन उसको नहीं रखेंगे। फिर डीआईसी जीसी की स्थापना कब हुई, तो इसकी इस रूप में डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापना हुई 1978 में। पहले दो अलग अलग कॉर्पोरेशन हुआ करते थे, डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए एक अलग कॉर्पोरेशन, एक अलग निगम हुआ करता था, और क्रेडिट गारंटी के लिए एक अलग निगम हुआ करता था। उन दोनों को बाद में मर्ज कर दिया गया, उनका विलय कर दिया गया, और विलय करके इस निगम जो, उस निगम की स्थापना कर दी गई। तो इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1978 आफ्टर मर्जर ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए एक अलग कॉर्पोरेशन हुआ करता था 1 जनवरी 1962, एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी स्थापना कब हुई थी, 71 में हुई थी, और इन दोनों का मर्जर कब किया, 78 में। और इसके लिए कानून पारित किया गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961, और ये अभी जो है वो इसी एक्ट के अंदर एक संशोधन है। डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह वर्ष 1978 में जमा बीमा निगम डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तथा क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विलय के बाद अस्तित्व में आया। संसद द्वारा जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 उससे पहले जो है पारित किया गया था। फिर किन 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 को कौन कौन से बैंकों के अंदर जमा है उसको ये कवर करता है, तो ये ध्यान में रखना, सभी पब्लिक और प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक जैसे सरकारी बैंक कोई भी हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो आपका एसबीआई हो, इन सबको कवर करता है, सभी पब्लिक बैंक तो है और प्राइवेट बैंक की, कोई भी प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, या आपका यस बैंक है, ये सब प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक को भी करता है। लोकल एरिया, कोई लोकल एरिया बैंक हुआ करते थे तो उनको भी करता है, लोकल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो स्थापित करते हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र को टारगेट करके, इस क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर बैंकिंग सुविधाएं या फिर ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ाना है। रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक, इंडियन ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, अगर कोई विदेशी बैंक है उस विदेशी बैंक को भी अगर वो भारत में काम कर रहा है, HSBC हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, तो वो अगर भारत में काम कर रहा है तो उसकी जो ब्रांच है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी, उसको भी अपने आप को DICGC के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा, और उसको जो भी डिपॉजिटर्स हैं उन सबका प्रीमियम उनको ये वहां पर पे करना पड़ेगा। फिर ये कौन क्या क्या कवर करते हैं, कौन कौन से डिपॉजिट को कवर करते हैं, तो ये डिपॉजिट्स सच एज सेविंग अकाउंट, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, एक्सेप्ट फॉलोइंग, ये ध्यान में रखना है कि किन किन को नहीं करता है। कई बार जो है वो वैसे वाले क्वेश्चन भी यूपीएससी में और आजकल आरपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन आने लग गए हैं, जब आपको उसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानकारी, और वो पूछेंगे कि साहब इसके अंदर जो है बताओ किस किसको इंक्लूड नहीं करता है या किसको इंक्लूड करता है, तो अब किस किस को नहीं करता है, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, किसी बैंक में किसी विदेशी सरकार ने अगर कुछ पैसा जमा करा रखा है तो उसको ये कवर नहीं करेगा, उसका इंश्योरेंस नहीं देगा उस सरकार को। सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार ने किसी बैंक में कोई पैसा जमा करा रखा है, एसबीआई के अंदर अगर केंद्र सरकार का कोई पैसा जमा है या राज्य सरकार का कोई पैसा जमा है, मतलब अब राज्य सरकार का पैसा कैसे जमा होगा या केंद्र सरकार का कैसे जमा होगा, मान लो केंद्र सरकार का ये आपकी आरपीएससी है, अब ये आरपीएससी आपसे फीस ले रही है, तो कहीं ना कहीं जमा कराती है, किसी अकाउंट में जमा कराती है,
आप अभी जो चालान पेश करोगे तो भाई एसबीआई की या किसी अकाउंट नंबर में कराओगे, तो यानी आरपीएससी का एक अकाउंट बना हुआ है और उस अकाउंट के अंदर आपको पैसा जमा करा, तो यानी आरपीएससी का एक अकाउंट बना हुआ है और उसको भी, उसको जो है वो अब बैंक इंश्योर नहीं करेगा। इंटर बैंक डिपॉजिट, एक बैंक ने दूसरे बैंक में डिपॉजिट करा रखा है। डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट, राज्य के अंदर एक होता है भूमि विकास बैंक हुआ करते हैं, तो वो कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, एनी अमाउंट विच हैज बीन स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय कॉर्पोरेशन विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ, और इसके अलावा भी अगर आरबीआई की अनुमति से डीआईसी जिसे ने ये बता रखा है कि साहब इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे या इसको कवर नहीं करेंगे, तो उनको भी कवर नहीं करता। तो ये सब जीचे हैं जिसको, तो ये भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए कौन से डिपॉजिट को तो कवर करता है और कौन से डिपॉजिट को कवर नहीं करता है। ये हो गया अपना डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन।